जिले के सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र के अनुमंडल अस्पताल का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जफर आलम ने अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर पूरे अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक जफर आलम ने बताया कि अनुमंडल अस्पताल में मरीजों का जांच किए बगैर उस मरीज को रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा है कि आज इन्हीं सब चीजों को लेकर अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। अस्पताल प्रबंधक सहित अस्पताल मैनेजर से मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की बात हम लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ मरीजों को समुचित इलाज हो इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या निर्देश दिए गए? सबसे पहले तो अनुमंडल अस्पताल में एक ट्रेंड बन गया है, रिफर। मरीज आया नहीं कि रिफर। हमने कहा कि या तो इसको अनुमंडल अस्पताल हटा करके रिफर हॉस्पिटल लिख दीजिए। पहले तो आप उसका इलाज करिए। आप इलाज करते हैं, आप किसी को जिंदगी नहीं दे सकते। अगर ज़िंदगी देते तो डॉक्टर मरते ही नहीं। आप इलाज करिए, कोशिश करिए। अगर बचने लायक नहीं हो, कुछ इलाज के लिए सहरसा जाना हो, दरभंगा जाना हो, तो वो आप रेफ़र कर दीजिए और इलाज के साथ हम एम्बुलेंस में डाल दीजिए स्टाफ के साथ, और वो चला जाएगा हॉस्पिटल। जांच की सुविधा की भी कमी है अस्पताल में? हाँ, जाँच की सुविधा कमी है। अभी तो बताया मैनेजर ने कि कोरोना टेस्ट के लिए भी यहाँ आ गया है ऑपरेटर, और क्या कहते हैं, जांच भी होगी। मलेरिया टाइप के चीफ कारण की तरह से जाँच होती है। सबसे दिक्कत तो ये है कि जो इंटीरियर एरिया है, धनुपरा है, बेलवाड़ा है, कटुमर है, भोकसम है, बेलवाड़ा है, आपसे कह रहे हैं कि पहाड़पुर है, खुजरी है, उसमें जो स्टाफ सब पोस्टेड है उसके वहाँ उपस्थिति नहीं हो पा रही। उस पर मैंने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि बाढ़ का ज़माना है, पेशेंट को यहाँ आने में भी काफ़ी कठिनाई है, नाव का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने उस पर ताकीद किया कि उन लोगों को वहाँ रहना सुनिश्चित करिए।